क्या कर रही हो? बाहर नहीं जाना, मंकी उठा के ले जाएगा। ए गुड्डा, गुड्डू चल अंदर। इधर देखो सिद्धू, ए सिद्धू इधर देखो बदमाशू। ए बाहर नहीं जाना। खाना आज मेरे हस्बैंड का मंगलवार का व्रत है तो उनके लिए ढूंढ रही हूँ मखाने। मैंने बादाम भिगोए थे, मैंने रात में ही भिगो दिए थे। ये बादाम भी छील के हस्बैंड को दे दूंगी। लाओ ये बादाम छिलके हस्बैंड को दे दूंगी और मैं भी खा लूंगी, सिद्धि को भी दे दूंगी। रिद्धि को मैंने सुबह दे दिया था तो बादाम और केले वाला खा के वो स्कूल चली गई थी। तो ये बादाम पहले मैं छिलके हस्बैंड को दे देती हूँ। तो सुबह सुबह से मखाना, बादाम और एक कटोरी दही खा के ऑफिस चले जाएंगे। जा रही हूँ अपने हस्बैंड को देने एक कटोरी दही, थोड़े मखाने, चार बादाम जो मैंने अभी छीले थे। ये मेरे हस्बैंड का हो गया और ये से खा लूँगी मैं। इसमें है चना, बादाम जो भी छीला था मैंने, वो चार बादाम मैंने भी ले लिए हैं, और साबुत मूंग की दाल, सोयाबीन, टमाटर, खीरा, चुकंदर और थोड़ा सा नींबू और नमक। तो ये मैं से मैं खा लूँगी और ये दे दूँगी हस्बैंड को। चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया। और बताइए कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा सब काम वाम हो गया, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए। आज हस्बैंड का व्रत था तो मैंने वही मखाना खाना भुना था, उनको दे दिया है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। और देखो सिद्धि हमारी खेल रही है। सिद्धू क्या कर रहे बेटू, क्या कर ले हो? आपने चिप्स पूरा गम्मी किया? मेरा बच्चा चलो आज ऊपर बैठ जाओ मम्मा के पास। आजा आजा, नहीं आना, चलो कोई बात नहीं। अभी ये देखिए मेरे कपड़े कल मैंने धुले थे, इनको भी अभी सेट करना है। कल ही मैंने ये कपड़े धुल लिए थे तो अभी सूट चेक किए हैं, आज ही मैं लेके आई हूँ तो इनको मैं सेट कर लूँगी। और आज मुझे घी भी बनाना है। घी बनाना एकदम सबसे टफ काम मुझे लगता है, क्योंकि उसका पहले मक्खन निकालिए, फिर उसमें घी बनाने के लिए रखिए, बड़ा ध्यान देना पड़ता है और टाइम भी लगता है मक्खन निकालने में। बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं घी बनाना है, पर सोच रही हूँ कि आज फाइनली उसको बना दूँ, मैं काम भी ख़त्म करती हूँ। तो देखते हैं, पहले कपड़े वपड़े सेट कर लेते हैं।
फिर मैं घी बनाने का काम शुरू करूंगी। नाश्ता पानी मेरा हो गया है, खाना आज तो कुछ बनाना नहीं था। सुबह मैंने आलू पराठे बनाए थे तो रिद्धि को मैंने टिफिन में आलू पराठा दे दिया, अपने लिए भी मैंने आलू पराठा बना लिया है तो उसको अभी मैं खा लूँगी, नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि अभी चना खाया तो इतना भूख अभी नहीं है मुझे। और दिन में देखो रिद्धि स्कूल से आएगी तो दाल चावल बना लूँगी। तो चलिए पहले मैं कपड़ा सेट कर लेती हूँ। ये देखिए दीवार मेरी थोड़ी, ये सब जगह जगह से आप लोग को अजीब लग रही होगी, ये देखिए जैसे इधर भी। दरअसल ये हमारा सरकारी आवास है तो यहाँ की बिल्डिंग बहुत पुरानी है, इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ दीवारों में सीलन है। जब मैं मार्च में यहाँ पे शिफ्ट हुई थी लखनऊ से तो मैंने इसमें पुताई कराया, तो फिर भी देखिए इतनी जल्दी फिर से दीवारों का यही हाल हो गया है। अब दिवाली से पहले एक बार फिर से इसमें पुताई मैं करवा लूँगी, पेंट करवा लूँगी, पर इसमें जो है पेंट टिकता नहीं है, बहुत ज़्यादा ही इस बिल्डिंग में सीलन है। जब मैं यहाँ पे कपड़े सेट कर रही थी तो देखिए हमारी सिद्धि क्या कर रही है, हमारी सिद्धि दुल्हन बन रही है। ये देखिए शीशे में देख देख के ये दुल्हन बन रही है, कितने बढ़िया से अपने सर पे देखो दुपट्टा डाली है। ये देखो सिद्धि को दुल्हन बनी है, अरे छोटी सी दुल्हन है तो, छोटी सी दुल्हन है तो, ले बाप ले, ले बाप ले, इतने प्याले लगले हो तुम तो। किसका दुपट्टा है ये? मम्मा का? आप बहुत प्यारी लग रही सिद्धू। हाँ दुल्हन बन जाओ, दुल्हन बन जाओ। ये ले बाप ले, अली देखे देखे जो दुल्हन देखे, छोटी सी दुल्हन देखे। इधर देखो ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो सिद्धू, ऊपर देखो ऊपर। पढ़ाई करता है कौन से स्कूल में, कौन से स्कूल में? आपने रवि जी के बारे में कुछ बोला था जी, उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, उन्होंने बदले में कुछ। हमारी सिद्धू की फुल बदमाशी शुरू रहती है, ये देखो मेरा दुपट्टा ले लिया, खेलने में बिजी है। मनोज भाई, मनोज के बारे में मेरे हुआ आए थे, पता नहीं आपने अभी से मैं अपना काम फाइनल कर लेती हूँ। प्रियम प्रणाम, प्रियम प्रणाम। लड़ाई हुई थी। कैसे लड़ाई हो गई थी? नव्या के हाथ में उंगली घुस गई थी ना, और वो मैं कट्टी हो गई, कट्टी हो गई, कट्टी हो गई, कट्टी हो गई। किसकी कट्टी हो गई? नव्या से? वो बार बार कट्टी 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 कट्टी। नव्या ने आपसे कट्टी कर ली? नहीं। हाँ फिर? फिर वो मेरी दोस्त बन गई। अरे तो कट्टी हो गई तो कैसे दोस्त बन गई? नहीं, जब जब कट्टी कर ली थी तो मेरे से पानी कर थी, फिर दोस्त बन गई थी मेरी। वो तो वहाँ से मैं मेरे से पानी देखो बस के बाद में मम्मी देखो जा, अरे जब बस कर ली थी ना तो वैसे भी पी रही थी पानी, दूध पी रही थी, दूध बोतल में। दूध कहाँ लेके जाती स्कूल में? अरे को पता नहीं, ठीक है। तो उसका ढक्कन ना एक गोल गोल होता है एक ढक्कन, उसका ढक्कन गिर गया था बाहर जब बस चल रही थी तो, और मैंने अंकल से बताया, अंकल कि वैसे भी का ढक्कन गिर गया, जो ढक्कन लगा ना उसका, तो वो कह रहे थे पीछे चलो मैं ढूंढता हूँ। तो अंकल ने ढूंढ दिया उसका ढक्कन बोतल का? कल ढूंढ देंगे। अच्छा तो वह नव्या ने तुमसे कट्टी कर ली तो तुमसे दोस्ती कैसे हो गई फिर? अरे नहीं, मैंने उसको एग्जाम नहीं दिया ना इसलिए, ठीक है। तो फिर कहानी खत्म, बाय बाय। अच्छा तो अच्छा कपड़ा तो निकाल लो। ये माफ कर दो पगलू मैं तो तू
तुम क्या कह रही हो? ए सिद्धू, आप क्या कह रहे हो? बाय दोस्तों। बाय दोस्तों। अरे यार मेरे बच्चे, नहीं नहीं गिर जाओगी, लग जाएगा चट्टू, लग जाएगा। दोपहर का खाना पीना हो गया है, बच्चों ने भी खा लिया है, और ये देखिए रिद्धि खा के हमारी सो भी गई है, वो छुटंकी अभी जाग रही है। रिद्धि स्कूल से आने में इतना थक जाती है कि खाना खाने के बाद ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपना आप ही सो जाती है। और अब मैंने भी खाना वाना खा लिया है, अब मैं भी करूँगी थोड़ा सा आराम। सुबह से काम करते करते समझ लीजिए कमर टूट जाती है, और मुझे घी बनाना था, अभी तो मैं घी नहीं बना पाई, देखिए कब बनाती हूँ। हो सकता है अभी शाम को थोड़ा सा रेस्ट करने पर शाम को या आज रात तक मैं घी का काम ख़त्म कर दूँ। तो चलिए अब मैं जा रही थोड़ा सा आराम करने के लिए। आज का वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है, तो मैं आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।